हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए अब हम क्लास सेवेंथ एमएल अग्रवाल की बुक से विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स का चेक योर प्रोग्रेस सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे वीडियोज के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स हैं, है ना, वहाँ आप क्लिक करना, तो वहाँ पर आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे। आप वहाँ जब क्लिक करोगे तो मेरे सारे ही वीडियोज आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। क्लियर? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी यूज टू मेक अ टेट्राहेड्रन। ठीक है, कट आउट कॉपीज ऑफ द नेट्स एंड ट्राई इट। पिछले एक्सरसाइज में भी हमने किया था, तो वहाँ क्यूब का था, याद है ना आपको? क्यूब को कटिंग मैंने आपको दिखाया था और फिर नेट का भी हमने समझ लिया था, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो यहाँ हम समझते हैं टेट्राहेड्रन। तो टेट्राहेड्रन एक तरह का स्पेशल ट्राइंगुलर पिरामिड होता है। ठीक है, इसमें फोर फेसेज होते हैं और जो फोर फेसेज होते हैं वो फोर ऑल फेसेज इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि इसमें जो टेट्राहेड्रन है उसमें फोर फेसेज होंगे एंड ऑल फोर फेसेज इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के साइज के होंगे। ठीक है, तो इसी से हमें एक पिरामिड बनाना है जिसे टेट्राहेड्रन बोलते हैं, एक ट्राइंगुलर पिरामिड। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फिगर है। तो देखिए, फोर फेसेज हैं, वन टू थ्री फोर, फोर फेसेज हैं। तो इसे हम कैसे फोल्ड करेंगे कि हमें टेट्राहेड्रन यानी कि एक तरह का स्पेशल ट्राइंगुलर पिरामिड बन जाए? तो आइए प्रैक्टिकली मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए, ये मैंने एक पेज कट कर लिया है। ठीक है, सेम फिगर आपका है। इधर से देखिए टू ट्राइंगल, वन टू ट्राइंगल, नीचे से देखिए यहाँ से वन टू ट्राइंगल। तो यहाँ भी मैंने वन एंड ये सेकेंड ट्राइंगल। ठीक है, अब हमें इसे अब चारों ही फेसेस देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये चारों ही ट्राइंगल इक्विलेटरल शेप के हैं। क्लियर? अब इसी को हमें ऐसे फोल्ड करना है कि एक पिरामिड का, ट्राइंगुलर पिरामिड का ये रूप ले ले। ठीक है, तो कैसे हम फोल्ड करेंगे? तो देखिए, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि जो इसके वर्टेक्स है ना, चार वर्टेक्स हमें मिल जाए। जैसे देखिए, इसको हम इसको यू, इसको ये जो हमारा लाइन है ना, ये जो लाइन है इसे इसके ऊपर सेट करना होता है। तो ये हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब ये जो पार्ट हमारा है इसे ऐसे पैक कर दीजिए। तो ये हमारा एक ट्राइंगुलर पिरामिड यानी कि टेट्राहेड्रन बन गया है। ठीक है, तो देखिए फोर वर्टेक्स हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो आपका ये वर्टेक्स हो गया, वन वन टू थ्री एंड फोर्थ हमारा ये रहा, फोर, यानी कि ऑल फोर वर्टेक्स बनने चाहिए। ठीक है, वन टू, देखिए फिर से वन टू थ्री एंड ये फोर। ठीक है, तो यही हमारा टेट्राहेड्रन है। क्लियर? तो आप इस तरह से कट करके प्रैक्टिस कर लेना तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट फिगर देखते हैं। तो इसमें हमें वही बताना किस नेट से बनता, और ये नेट है ना ड्रॉ करके, ये हमारा नेट कहलाए, जब मैंने ड्रॉ करके इसे कट कर लिया तो ये नेट हमारा कहलाता है। और टेट्राहेड्रन बनाने हमें यानी कि 3D बनाने हैं टेट्राहेड्रन का। तो 3D आपने अभी देख लिया, मैंने यहाँ दिखा दिया आपको शो करके, है ना, इसको ऐसे पैक किया, ऐसे पैक कर दिया। ठीक है, ऑल साइड से ये देखिए पैक हो गया, ऑल साइड से इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। ठीक है, तो 3 यहाँ देख रहे हो आप और एक हमारा इसमें बेस बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट फिगर समझते हैं। तो ये हमारा टेट्राहेड्रन बन रहा है, तो यहाँ हम इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। अब नेक्स्ट फिगर में देखिए, यहाँ भी फोर फेसेज है। क्लियर? सही है, बट आप जब इसको इस तरीके से फोल्ड करोगे, जैसे अभी हमने फोल्ड किया, जब हम उसे फोल्ड करेंगे तो ये जो हमारा पार्ट है ये ओवरलैप करेगा, है ना, ये पैक नहीं हो पाएगा जो हमें पैक करना होता है, तो ये हमारा टेट्राहेड्रन नहीं बन पाएगा, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट थर्ड, तो देखने से क्लियर है कि इसमें तो बनेंगे, है ना, जब आप इसको फोल्ड करके यहाँ से फोल्ड करके इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो निश्चित यहाँ पे हमारा वर्टेक्स बन रहा है यानी कि टेट्राहेड्रन बन रहा है ना, जैसे इसकी तरह ये फिगर सेम ऐसा ये बनेगा ना। मान लो ये सेंटर का पोर्स, ये हमारा बेस बन जाएगा, तो ये हमारा बेस मान लीजिए, तो बेस को इसके ऊपर रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए बेस जब हमने यहाँ रख दिया, ये ऐसे रखा है, अगर ये पोर्शन ये है, ये वाला पोर्शन मान लीजिए इधर है, इसको ऐसे जब हम फोल्ड करेंगे बेस पे तो ये यूं हो जाएगा। इसी तरह से ये इस वाले पोर्शन की तरफ रखिए, इसको फोल्ड करोगे तो आप ऐसे हो जाएगा। सेम इसी तरह से ये बेस हमारा है ना, बेस पे इसको रखा, इधर का पोर्शन फोल्ड करोगे तो ऐसे, तो जब हम ऐसे तीनों साइड से फोल्ड करेंगे तो ये शेप बन के आएगा, तो ये हमारा टेट्राहेड्रन बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखिए कितने फेसेज है, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, और हमें कितने फेसेज चाहिए, ओनली फोर फेसेज होते हैं टेट्राहेड्रन में। ठीक है,
तो ये फाइव फेसेज है, तो ये नहीं है, ये रॉन्ग है। ठीक है, अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ फोर क्यूब्स ईच विथ 2 सेंटीमीटर एजेस आर प्लेस्ड साइड बाई साइड। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का जो एजेस वाला 4 क्यूब है जो साइड बाई साइड रखा गया है, वॉट वुड द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड भी। जब 4 क्यूब को आप साइड बाई साइड रख दिए तो हमारा क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है वो हमें बताना है। ऑल्सो ड्रॉ एन ऑब्लिक स्केच एंड एन आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए क्वेश्चन थर्ड में के लिए, ये फिगर थर्ड का है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 2 क्यूब है ना, 1 2, 2 क्यूब को साइड बाई साइड रखा गया है। तो जब साइड बाई साइड 2 क्यूब रख दिया तो कौन सा शेप हमारा ये बन रहा है, ये हमारा रेक्टेंगल आ रहा है यानी क्यूबॉइड बन रहा है, 1 क्यूबॉइड। अगर क्यूब हम ये बीच का पोर्शन छोड़ देते क्यूबॉइड का शेप ले लिया। ठीक है, तो इसी तरह से पूछा जा रहा है कि 4 क्यूब होंगे। ठीक है, और साइड बाई साइड तो 2 यहाँ है, 2 और आप यहाँ रख दीजिए। तो मान लीजिए 2 यहाँ हम रख दिए, यहाँ तक आ गया, तो निश्चित है कि इसका लेंथ हमारा बढ़ जाएगा। और लेंथ बढ़ने के बाद लेकिन हाइट हमारा क्या 2 सेंटीमीटर ही रहेंगे, साथ ही ब्रेथ भी हमारा 2 सेंटीमीटर। जैसे ये क्यूबॉइड है, क्यूब है, तो इसमें देखिए ये हमारा क्या है 2 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का है, तो जो ब्रेथ है वही हमारा हाइट है, बट लेंथ बढ़ गया, दोनों क्यूब मिलकर लेंथ बढ़ गया और हाइट और ब्रेथ सेम रहेगा। ठीक है, तो जब हमारे पास 4 क्यूब है तो मान लीजिए 2 क्यूब है ये 2 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर ये हो गए, 2 2 सेंटीमीटर और, यानी कि 4 ये हो गया, 4 और लगा देंगे हम तो 8 सेंटीमीटर, तो लेंथ हमारा 8 सेंटीमीटर बन जाएगा एंड ब्रेथ और हाइट 2 सेंटीमीटर ही होगा हमारा। तो आइए अब इसे का हम ऑब्लिक एंड आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, तो लेंथ हमारा 8 बन गया क्योंकि 4 क्यूब है एक साथ रखेंगे, तो चारों का लेंथ हम ऐड करेंगे 2 + 2 + 2 + 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो लेंथ 8 हो गए, ब्रेथ हमारा 2 सेंटीमीटर ही होगा, अगेन हाइट हमारा 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और हमें ऑब्लिक स्केच ड्रॉ करना है फर्स्ट में, तो आइए हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेंथ हम ड्रॉ कर लेंगे 8 सेंटीमीटर, तो चलिए मैं यहाँ से आपको ले लेती हूँ, यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं ना, ये हो जाएंगे ना 8, तो मैं यहाँ से 8 सेंटीमीटर है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मान लीजिए 1 बॉक्स 1 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर हमारा ये हो गया लेंथ, तो लिख लेंगे हम लेंथ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब इस पर हाइट ले लेते हैं हम, हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर हाइट, इधर से भी हम 2 सेंटीमीटर हाइट ले लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देंगे यूं। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल शेप हो गया और हमें क्यूबॉइड बनाने, क्योंकि लेंथ अलग ब्रेथ अलग हाइट है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ अलग है ब्रेथ अलग आ रहा है, तो ये हमारा क्यूबॉइड ही बनेगा। ठीक है, हाइट भी इसके साथ में है, तो फर्स्ट रेक्टेंगल फेस हो गया। एक और रेक्टेंगल फेस हम बैक में इसके बना लेते हैं, तो बैक में ये एक बॉक्स छोड़ के यहाँ से मैं ले रही हूँ, तो ये पहले 2 सेंटीमीटर हाइट हमने ले लिया, अब लेंथ 8 सेंटीमीटर यहाँ से ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर हाइट हमारा हो गया। अब इन दोनों को मिला दीजिए, 8 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है, तो ये भी हमारा हाइट 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। ठीक है, और ये हाइट हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड बनाने के लिए दोनों को मिला दीजिए, है ना, ये जी यहाँ पे ये ब्रेथ हमारा 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो 1 बॉक्स तो हमने 1 सेंटीमीटर माना है, बट राइट मेजरमेंट तो जरूरी है नहीं, हमें दिखने में फील आने चाहिए कि बिल्कुल राइट मेजर हमने लिया। ठीक है, तो इस तरह से जब हम लाइन लेते हैं इसको ऑब्लिक लाइन मान लेते हैं। ठीक है, ये ऑब्लिक लाइन मान लीजिए, ये ऑब्लिक लाइन हमारा 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो देखिए ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, ये दोनों, ये हमारा 2 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गया हमारा। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड हमारा रेडी है। अब इसमें हमें 4 क्यूब ड्रॉ करने हैं, है ना, पता तो चला क्योंकि क्यूबॉइड बन गया पूरा सा, 4 क्यूब को एक साथ देखेंगे तो क्यूबॉइड का शेप लगेगा, बट हमें इसमें बताने हैं कि क्यूबॉइड हमारा कहाँ कहाँ है वो भी शो करने, तो आइए उसे हम कर लेते हैं। तो देखिए 2 सेंटीमीटर हमारा रखना है, क्यूबॉइड जो है लेंथ ब्रेथ हाइट तो सब 2 सेंटीमीटर है, तो ये 1 2 2 सेंटीमीटर ये हो गए 2 बॉक्स, तो यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर हाइट ले लेंगे फर्स्ट क्यूबॉइड का, यूँ तो हाइट तो हमारा कहाँ है, यहाँ से ये इसका हाइट है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो एक हाइट हमने ले लिया, इसी तरह से एक हाइट हम ये जो सेकेंड रेक्टेंगल पीछे के फेस में हमने बनाया है इस पर हम हाइट एक ले लेंगे 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये हाइट हमने यहाँ लिया, तो इसका हम यहाँ पे हाइट लेंगे, इस लाइन से इधर नीचे हाइट हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये 1 2 3 है ना, ये 2 सेंटीमीटर का हाइट हमने ले लिया। अब दोनों को ऐसे मिला देंगे ऑब्लिक लाइन से,
तो देखिए एक हमारा ये क्यूबॉइड बन के रेडी हो गया। इसी तरह से हम दूसरा क्यूबॉइड ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए अगेन हम 2 सेंटीमीटर पे 2 सेंटीमीटर का हाइट हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये ऑब्लिक लाइन है, तो यहाँ यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर का हाइट ले लेंगे फिर, ठीक है। जैसे इस बॉक्स में हमने ऐसे ऑब्लिक बनाए, देखिए 1 2 यहाँ हाइट लिया, फिर ये बॉक्स 1 2 बॉक्स छोड़ के हाइट यहाँ ले लेंगे, 2 सेंटीमीटर का हाइट इधर से ले लेंगे। इसी तरह से इसका ऑब्लिक इमेजिन कर लीजिए, ये इस बॉक्स में तो इसके इसमें इस साइड में अपोजिट साइड में यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर हाइट ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर इसका हाइट कहाँ से आ गया, यहाँ से गए, ये पीछे वाले रेक्टेंगल का शेप है, तो ये हाइट हो गया 2 सेंटीमीटर। ऑब्लिक लाइन से मिला दीजिए, तो ये हमारा फर्स्ट क्यूब, सेकेंड क्यूब रेडी हो गया। इसी तरह से एक और क्यूब बना लेते हैं, तो 2 सेंटीमीटर, तो 1 2 बॉक्स, तो यहाँ हम 2 सेंटीमीटर का हाइट इस पे लेंगे और इधर से 2 सेंटीमीटर हाइट, फिर ऑब्लिक लाइन से मैच कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 2 सेंटीमीटर का हमारे पास 4 क्यूब हो गया, 1 फर्स्ट क्यूब, सेकेंड है ना, फर्स्ट ये सेकेंड क्यूब, थर्ड एंड फोर्थ क्यूब, तो 4 क्यूब हमारे एक साथ हो गए, ठीक है। इसको जरा मैं डार्क में दिखा देती हूँ आपको, तो अच्छे से शो करेगा, है ना, अब दिख रहा है, ठीक है। डार्क कर रही हूँ क्योंकि अच्छे से शो नहीं हो रहा है, ये देखिए अभी आपको क्लियर हो जाएंगे। यहां से भी डार्क कर लेते हैं, अब देखिए अब क्लियर हो गया। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों क्यूब के एक साथ हमने रखा, तो लेंथ हमारा 8 सेंटीमीटर ये आ गया, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ऑब्लिक स्केच हो गया। अब हम इसका सेकेंड आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ हम आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं, तो सबसे पहले लेंथ 8 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो यहाँ से मैं इस पॉइंट से लेंथ ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ से ले रही हूँ मैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर हमने लेंथ ले लिया, अब हम हाइट 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो इस पर हाइट 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ ये है इसका हाइट बिल्कुल इस तरह के से, ये हमारा हाइट 2 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ भी हाइट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट जब हमने ले लिया तो क्या करेंगे, दोनों को मैच कर दीजिए लेंथ खींच कर। तो यहाँ से हम लेंथ ले लेते हैं अगेन 8 सेंटीमीटर, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये पॉइंट 8, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया क्यूबॉइड ड्रॉ करना आइसोमेट्रिक में। तो याद है ना आपको, आइसोमेट्रिक में सिर्फ हमें जो पार्ट शो होते हैं वही दिखा बनाने होते हैं, फ्रंट साइड एंड टॉप ही दिखाने हैं। तो फ्रंट हमारा बन गया, अब हम साइड बना लेते हैं। तो यहाँ हम 2 सेंटीमीटर ब्रेथ ले लेंगे, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर ब्रेथ, देखिए 1 एंड ये पॉइंट 2, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर हमने ब्रेथ ले लिया, अगेन हम हाइट लेंगे 2 सेंटीमीटर, तो 1 2, ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट मेरा है। तो 2 सेंटीमीटर हमने हाइट ले लिया, अब इसी तरह से यहाँ पे हम ब्रेथ 2 सेंटीमीटर ले लेंगे। अब तो इधर हम ब्रेथ ले लेते हैं, तो ये 1 2 सेंटीमीटर ब्रेथ लेने के बाद पहले इसे मैच कर लेते हैं ब्रेथ से, है ना, ये 2 सेंटीमीटर के ब्रेथ पे मिला दिया हमने, जैसे ये एक पॉइंट और दूसरा ये मिला दिया। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मैच कर देंगे, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर में मिला देने हमें, तो ये हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया, इसे सही कर लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे आएगा, है ना, इस पॉइंट पे मैंने रब कर दिया पहले वाले को, यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये एक हमारा हो गया। अब देखिए क्यूबॉइड तो हमारा रेडी हो गया, ठीक है। तो अब हमें इसे में क्या करना है, 4 क्यूब बनाने हैं, ठीक है। तो क्यूब हमारा 2 सेंटीमीटर पे है, तो इधर से देखिए पॉइंट हमारा एक ये है, एक ये पॉइंट है, सेकेंड यह है, तो 2 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 1 2 सेंटीमीटर का पॉइंट ये है। तो 2 सेंटीमीटर पे क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेते, तो पहले यहाँ से हम हाइट ले लेंगे, ये हमारा 2 सेंटीमीटर हाइट, फिर है ना ये हमारा हाइट हो गया, और यहाँ से फिर इधर मैच कर देंगे, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से पॉइंट, तो एक क्यूब हमारा रेडी हो गया। इसी तरह से हम सेकेंड क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 1 2, ठीक है,
पॉइंट थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मेरा, ठीक है? आप सही से ड्रॉ करना, जब वो तो ग्राफ पेपर होंगे उस पर सही से कर। एक तो ये हमारा हो जाएंगे। अब हम इस पॉइंट से इसको मिला देंगे, इसके सामने जो पॉइंट इधर आ रहे हैं तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? से तो देखिए, फर्स्ट सेकेंड क्यूब, एक और क्यूब ड्रॉ करने हैं, ठीक है? तो एक और क्यूब हमारा, ये पॉइंट होगा हमारा 2 सेंटीमीटर का, तो ये 2 सेंटीमीटर हाइट हमने ले लिया। अब एक इधर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर। तो देखिए 1, 2, 3 एंड 4, 4 क्यूब हमारे ड्रॉ हो गए, तो ये हमारा आइसोमेट्रिक बन गया, ठीक है? तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर लेंथ, ये 2 सेंटीमीटर, और हाइट भी हमारा 2 सेंटीमीटर। इसका हमारा क्यूबॉइड रेडी हो गया। तो क्वेश्चन 2 कंप्लीट। क्वेश्चन 3 इज, फॉर द स्ट्रक्चर्स गिवन बिलो स्केच द फ्रंट साइड एंड टॉप व्यू। ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसमें हमें फ्रंट व्यू बताने हैं, साइड व्यू का स्केचिंग करने हैं एंड टॉप व्यू स्केच करना है। दैट मीन्स कहा जा रहा है कि अगर इस स्ट्रक्चर को हम फ्रंट, ये पोर्शन आपका फ्रंट दिया, अगर हम यहाँ से देखते हैं, इधर से देखते हैं, तो हमें क्या क्या पार्ट दिखेगा? तो हमें ये चारों पार्ट एंड ये 2 दिखेंगे, तो इसे हम ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट व्यू में। इसी तरह से अगर हम साइड से देखें, इस तरफ खड़े होकर देखेंगे तो क्या दिखेगा? साइड का ये दोनों पार्ट दिखेगा, ये भी साइड में है और ये भी साइड में, तो ये चारों हमें दिखेंगे एक साथ। सो इसे हम ड्रॉ करेंगे साइड व्यू में। एंड जब टॉप से यानी कि ऊपर से हम देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा? सिर्फ ऊपर का पार्ट दिखेगा, टॉप वाला। सो एक ये एंड ये टॉप का, तो ये दोनों पार्ट हमें दिखेगा, क्लियर? तो अब हम इसका स्केचिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू पहले कर लेते हैं। तो फ्रंट व्यू में इस तरीके से हमें 4 पार्ट दिख रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया 1, 2, 3 एंड 4, 4 पार्ट हो गए। इधर बगल में 2 दिख रहा है, तो एक ऊपर छोड़ना है, एक नीचे छोड़ के इधर से हम बना देंगे 2 पार्ट्स। तो ये हमारा फ्रंट का है, एक बार पिक्चर में देख लीजिए। ये देखिए 4 एंड ये, एक ऊपर छोड़ दिया, एक नीचे छोड़ दिया, क्लियर? अब साइड व्यू बनाते हैं। तो साइड से हमें जो ये पार्ट और ये दोनों दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन से हमें दिखेगा, जब साइड से दिखेंगे पूरा सीधी लाइन में दिखेगा। सो इसे हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, साइड व्यू में सीधा 4 पार्ट बना लेते हैं, ठीक है? ये मैंने वर्टिकल में ड्रॉ किया, आप इसे चाहो तो इस तरीके से भी, ओरिजेंटल में भी इस तरह से 4 पार्ट करके ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? अब टॉप व्यू बनाने हैं, तो टॉप व्यू में 2 पार्ट हैं, तो दोनों हमें इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया। नाउ सब पार्ट 2 बना लेते हैं। तो ये हमारा सेकेंड फिगर है, इसे में पहले फ्रंट व्यू देख लेते हैं। तो फ्रंट व्यू में देखिए, ये वाला 3 हमें दिख रहे हैं, इसके बाद फ्रंट में ये दिखेगा एंड ये दिख रहा है। सो इसी तरीके से इसे हम ड्रॉ करेंगे। तो ये 3 लेयर में है, तो चलिए इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। 3 लेयर में ही हमें दिखेगा फ्रंट से देखने पे। सो हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ फ्रंट व्यू में। पहले देखिए, यहाँ पर हमें 3 है ना, इस तरह से 3 है, देन 2 एंड इधर से 1, इस साइड से हमें लेने हैं, इधर 1 पार्ट हमें छोड़ कर करने हैं। सो इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे, 1, 2, 3, नाउ इधर से ही है 2। सो इस तरह से हमने 2 पार्ट ले लिया एंड इसके ऊपर 1। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। अब साइड व्यू उसको समझ लेते हैं। तो ये पोर्शन हमारे साइड में है, तो ये तो क्लियर है, ये सारे पार्ट दिख रहे हैं, ये यहाँ 3 एंड यहाँ ये जो 3 है इसके ऊपर सेंटर में 1। तो इसी तरह से इसे ड्रॉ कर लेंगे एंड ये ब्लॉक काउंट कर लेते। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 ब्लॉक है, उस पर दोनों साइड 1 छोड़ के 3 लेना है एंड ऊपर टॉप पे सेंटर में 1 बनाएंगे, ठीक है? तो 5, 3 एंड 1 इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सो साइड व्यू ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें 5 पार्ट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ 3 दोनों साइड 1-1 छोड़कर इसी को आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है? अब टॉप वाला हमें कहाँ सेंटर में लेना है, दोनों साइड 1-1 छोड़कर। सो ये हमारा साइड व्यू रेडी हो गया। नाउ टॉप व्यू को समझते हैं। तो इसे आप ध्यान से समझिए, जब हम टॉप से देखेंगे, ऊंचाई से जब इसको देखेंगे, इस स्ट्रक्चर को, तो हमें क्या क्या दिखेगा? तो ऊंचाई से दिखने पर ये सारा पार्ट, ये पार्ट हमें टॉप पे है, तो क्या क्या कितना दिख रहा है? तो देखिए ये 3 दिख रहे हैं एक लाइन से, उसके बाद ये वाला पार्ट हमें दिखेगा, ये हमारा सेकेंड थर्ड हो गया। उसके बाद फिर अगेन ये देखिए, यहाँ पे एक पार्ट है, तो ये पार्ट हमारा इसके साथ जाएगा, तो ये 1, 2 एंड ये टॉप का पार्ट भी दिखेगा इसके साथ, तो 3 लेयर में हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये भी टॉप का पार्ट है, ये वाला पार्ट टॉप में, ये ऊपर है, तो क्लियर है? इसके नीचे भी ये जो लेयर है, ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर पर भी 1 होगा इधर। सो उसका टॉप, ये टॉप सेकेंड, अगेन ये टॉप इसके साथ दिखेगा, तो ये हमारा 3 लेयर में फिर बन रहा है, 3 ब्लॉक में बन रहा है। नाउ इस पार्ट में देखिए, 1, 2 अगेन ये इधर से, ये 3 फिर से दिखेगा। तो इस तरह से 3 पार्ट्स में हमारा बन रहा है। तो कितने हो गया काउंट कर लेते, 1 तो ये हो गया, सेकेंड, थर्ड हमारा,
देन ये फोर्थ, ये इसके इधर एक और होगा, सो फोर्थ एंड ये फाइव. सो फाइव हम बनाएंगे थ्री थ्री ब्लॉक्स में. सो यहाँ सीधा ऐसे ड्रॉ कर लेंगे ये ब्लॉक, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए. एंड थ्री थ्री हमें लेने हैं ब्लॉक्स. सो वन टू थ्री, नाउ इस तरह से ये वन टू थ्री फोर एंड ये फाइव. तो टॉप व्यू हमारा इस तरह से कुछ दिखेगा, क्लियर. एंड इसी के साथ आपका चेक योर प्रोग्रेस कंप्लीट हो गया. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.